पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हांडी में जो सबसे नीचे वाली इसकी बैरिंग होती है उसको हम ठोक लेंगे। आप देख रहे होंगे इसे हम जो कम टेपर वाला है ऊपर की तरफ रखेंगे और ज्यादा टेपर वाला नीचे की तरफ रखेंगे। इसको हम ठोक लेंगे और सीट का ध्यान रखेंगे, सीट में ज्यादा प्ले ना हो। अगर सीट उसकी ज्यादा प्ले होगी, ढीली होगी, तो उसको आप हल्की सी वेल्डिंग करवा के लेथ मशीन पे टर्न करवा सकते हैं। अब इसके ऊपर क्या है, ग्रीसिंग करनी है। आप देख रहे होंगे कि कैसे ग्रीसिंग करनी है। इसके ऊपर ये ग्रीस लगाना है, चारों तरफ से बेहतरीन तरीके से लगाना है ग्रीस को, और ज्यादा ग्रीस लगाना पड़ता है। कम से कम इसके अंदर आधा किलो के लगभग में ग्रीस लग जाता है, और बढ़िया ग्रीस लगाना है। आप देख रहे होंगे कैसे मलाई की तरह, घी की तरह ग्रीस है, तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हेलो गाइज, मैं संजीव कुमार मशीन वाला की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको बेहतरीन इंजीनियर बना दूंगा। आप किसी भी तरह की कंक्रीट मिक्सर मशीन की हांडी में बैरिंग बदल सकते हैं और उसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कितनी सारी वीडियो डाल रखी है, मैं उसको दिखाता हूं। तो इसमें ग्रीस लगने के बाद क्या है, ये देखिए इसकी पाइप में जो कोन लगा हुआ है, ये बैरिंग दो पार्ट में होता है, एक मेल एक फीमेल। तो इसके फीमेल वाला ऑलरेडी अंदर रखा है, ये मेल वाला यहां से अब लगाया जा रहा है। तो उसको ध्यान रखना है कि दोनों कोन में जो कम टेपर वाला है वो अंदर की तरफ बहता है। दूसरी बैरिंग लगाने से पहले उसमें क्या है, ग्रीस लगाना है अच्छे तरीके से। ये आप देख रहे होंगे ये कैसे इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी ऑलरेडी इसका फीमेल सॉकेट लगा हुआ है, ये मेल वाला अब लगाया जाएगा उसके अंदर ग्रीस भर के सही तरीके से। तो ये ग्रीस ले लिया और इसको सही तरीके से ग्रीस इसके अंदर भर दिया। ये बहुत ही जरूरी है ग्रीस इसमें भरना सही तरीके से, और ग्रीस बेहतरीन होना चाहिए। इसमें कभी भी कंजूसी ना करें, आप बेहतरीन तरीके का ग्रीस लगाएं। अपने मशीन वाला कंपनी में सब कुछ एकदम ओरिजिनल लगता है। आप देख रहे होंगे ग्रीस को देख के ही पहचान जाएगी किस तरह घी की तरह मक्खन की तरह ये ग्रीस है, जो कि बहुत ही अच्छा है। दिखाता हूँ कि किस तरह इसको लगाते हैं। जैसे कि इसमें ग्रीस भर लिया और बेहतरीन तरीके से चारों तरफ ग्रीस लगा के इसकी साफ्ट आप देख रहे होंगे निकलती होगी। अब इसके अंदर मेल जो बैरिंग है इसका, उस बैरिंग को लगाया जाएगा इसके अंदर। बहुत ध्यान से देखना आप इसको, बहुत जरूरी है। इससे क्या है, इसको इस तरीके से अगर आप फिट कर देते हैं, देखिए लगा दिया, तो आपकी मिक्सर मशीन की हांडी में, कंक्रीट मिक्सर मशीन की हांडी की बैरिंग कभी खराब नहीं होगी। इन बातों का ध्यान रखना है। देखिए अब इसका ये नट बदला जा रहा है, ये नट इसका कसा जा रहा है। इसके नट को कसने के बाद जो ऊपर एक नट है वो भी कसा जाएगा। तो सबसे पहले इसे ऊपर कसने से पहले हम इसे पूरा कस देंगे, कस के और इसको घुमा के चेक करेंगे ये प्रॉपर तरीके से टाइट हुआ है या नहीं हुआ है। अभी चेक करेगा ये लड़का भी हिला के, तो पहले इसे हथौड़े से ही टाइट हो जाएगा। ये देखिए ये पीछे घुमा के, ये ऑयल सील है इसकी, ऑयल सील इसके पीछे 6010 नंबर की लगती है। ज्यादातर हर मशीनों में जो बैरिंग लगती है उसका साइज होता है 32211, आप नोट कर ले 32211। और जो पुराने मॉडल की मशीनें हैं किसी की भी, उसमें लगता है 30309 का। अब ये देखिए हथौड़े से कैसे इसको टाइट करता है, किसी चाबी पाने की जरूरत नहीं होती है, हथौड़े से चोट मार के और इसको टाइट कर लिया जाता है। ये फुल टाइट हो जाने के बाद, उस जो फुल टाइट हो जाए तो इसके नट को टाइट करा जाता है। तो अभी बस ये पूरा टाइट नहीं करा जाएगा, पहले हम इसे घुमा के हिला के देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से टाइट हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहले बाहर जो बंदा साफ पकड़ के रखेगा उसको वो हिला के देखेगा, आगे पीछे हिल तो नहीं रही है, ये देखो हिला के देख रहा है, थोड़ी सी भी नहीं हिली, और घुमा के देखेगा तो फिक्स घूमनी चाहिए एकदम फिक्स फिट। तो बहुत अच्छी फिटिंग हुई है, इसका प्रॉपर ध्यान रखना है। और अब इसके नट को टाइट कर दिया जाएगा। आप ध्यान से देखना, इस वीडियो को देख के आप अपने एक जो मैकेनिक का खर्चा होता है 2500 रूपये बचा सकते हैं। मैं इस आपके लिए फ्री में वीडियो डालता रहता हूं। अब इसके पीछे सील डाल दी जाएगी, ऑयल सील, जिसका साइज है 6010, मैंने ऑलरेडी बताया था। ये चारों तरफ से प्रॉपर बिठा दिया जाएगा। तो ये चारों तरफ से बैठ गया, और चारों तरफ से सही से प्रॉपर बिठाने के बाद फिर हम उसके अंदर के नट को टाइट कर देंगे। टाइट करके अब इसकी हांडी को चढ़ाया जाएगा। देखिए कैसे ये हांडी को पलटी कर लेंगे। तो ये पलटी कर लिया, अब उसके जो साफ्ट है, जो सेंटर पाइप होता है, उसके अंदर देख लेंगे कुछ फंसा तो नहीं है, तो रेगमाल या ग्रीस से साफ कर लेंगे। इसका हमने हांडी का तवा बदला है। ज्यादातर क्या होता है, मार्केट में बहुत हल्की हल्की मशीनें बना देते हैं, लोग उस समय नहीं देखते हैं, हमारे आप लोग भी नहीं देखते कि वो रेट सस्ता दे रहा है, पर क्यों दे रहा है वो नहीं देखते। अगर टेक्निकल आपको अच्छी जानकारी है तो आप कर सकते हैं कि कैसी मशीन है, कैसी हांडी है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने साथ एक ऑपरेटर लेंगे या टेक्निकल बंदा जो जानता हो, जब जाके मशीन को खरीदने से पहले उसकी अच्छी तरह से जानकारी लें। नहीं तो ये हांडी का तवा 6 महीने में फट गया है। अब हमने इसमें 12 mm का तवा लगाया है और इसमें कम से कम 10-12 हजार का खर्चा आया है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है।
शुरू में आप लोग महंगा मत देखिए, क्वालिटी को पहचानिए, बहुत जरूरी है। और मैंने आपको लिए सैकड़ों वीडियो डाल रखी है। अब देखिए ये हांडी कैसे चढ़ा रहे हैं। अब इसके सेंटर में मिला के और इसकी साफ सेंटर मिला के इसको हांडी को चढ़ा दी जाएगी। ये उठा दिया और जैसे ही हांडी उठाएंगे हल्का सा स्टेरिंग को उठाएंगे झूले को और ये तुरंत उधर से धक्का लाएंगे ये चढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही टेक्निकल चीज है, ये आप देख के सीख सकते हैं कि हांडी की बैरिंग क्या बदले जाती है। मेरे पास कॉल आते रहते हैं कि सर हांडी की बैरिंग टूट गई है, तो मैं आप लोगों के लिए सब चीजें आसान करता रहता हूँ, सब कुछ ऑनलाइन दे रहा हूँ आपको एकदम। आजकल वैसे ही कोविड का ये कोरोना का बहुत ज्यादा क्राइसिस है, तो उसकी वजह से सब कुछ बहुत दिक्कत है आना जाना, तो आप लोग खुद कर सकते हैं। अब ये देखिए इसका कप लगाया जा रहा है, कप में ऑलरेडी ग्रीस भर लिया था। अब इसको चारों तरफ से चोट मार के दोनों साइड के बोल्ट टाइट कर देंगे और प्रॉपर टाइट करके, अगर कप लूज हो तो इसका ध्यान रखना, कप लूज हो तो उसमें आप लोग सूती का कपड़ा लपेट लेना, जो धोती होता है गांव में सूती का उसे लपेट लेना। तो कैसी लगी ये वीडियो और कैसा लगा मेरा ये जानकारी जो दिया आप लोगों को, प्लीज कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए और हौसला बढ़ाइए। आपके साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।